बोल लग रहा है, हर कोई एक्साइटेड है इसको देखने के लिए। थोड़ी देर में हम ट्रेलर भी दिखाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभिषेक की प्लानिंग और प्रिपरेशन परफेक्ट रहती है जी, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं बिफोर वी सी द प्रोमो। देखिए अभिषेक चौबे को अगर हम आजकल इनिशियल्स का दौर चलता है तो ए फॉर अभिषेक एंड सी फॉर चौबे, तो एसी, तो एसी अगर इनको कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उन व्यक्तियों में से हैं कि जैसी एयर वैसी कंडीशन, इसलिए इनको एसी कहा जाता है। तो अभिषेक चौबे अपने आप में पूरे तैयार होते हैं, एक्टर्स को कुछ काम नहीं करना होता है। एक्टर्स को अगर जो इनकी तैयारी है अगर एज इट इज उसको एग्जीक्यूट कर दे एक मजदूर के जैसे, अपनी कलाकारी ना दिखाए, मिस्त्री ना बने, मजदूर बनकर अगर करते तो आप देखेंगे तो बहुत शानदार इमारत बनी। तो मैंने बिल्कुल एक मजदूर के जैसे अभिषेक को फॉलो किया कि वो जैसा चाहते थे वैसा उनको देखता सुनता था और उसके बाद उसको जैसा कहते जनाब को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं तो बचपन से इनका बड़ा फैन रहा हूं, जब ये दूसरे मीडियम्स पर भी होते थे और जब भी वो स्टेज पर आते हैं, जब भी वो टीवी पर आते हैं, जब भी वो बड़े पर्दे पर आते हैं, आई हैव टू से दिस जेंटलमैन इज अ ग्रेट एक्टर। रणवीर शौर्य का मैं स्टेज पर स्वागत करना चाहूंगा एक नए अवतार में। मैंने कभी भी इतने फॉर्मल अवतार में रणवीर सर को कभी देखा नहीं है। भाड़े के कपड़े हैं भाई। बट सो गुड टू सी यू रणवीर, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो आई थिंक आप कमाल के तो एक्टर हैं ही, बीच में जब मन करता है दिख जाते हैं। खुशी के साथ कह सकता हूँ कि सब आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, कैसा लग रहा है? बहुत अरसे के बाद मुझे एक ऐसा रोल मिला है विच आई हैव टू से विच आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। सो थैंक यू अभिषेक। मेरे को एक खूबसूरत सा व्हाट्सएप मिला था, जो कपड़े एक ही पूरे कपड़े में पूरी फिल्म शूट हुई है, हर किसी का जो एक है, फर्स्ट डे और लास्ट डे में वो कभी धुलने नहीं गया। नहीं बट मुझे तो उसकी आदत है।
मैं तो वैसे भी रियल लाइफ में सेम ही कपड़े मोस्टली पहनता हूँ और धो लेता हूँ शायद बीच में, मेरे कपड़े सेम ही होते। मैं जैसे जब कपड़े खरीदने भी जाता हूँ तो एक ही तरह की 6 टी-शर्ट्स मतलब अलग अलग पैक ऑफ 5 ऐसे ही, उसमें मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था ये कि एक ही कॉस्ट्यूम है तो ठीक है, कंटिन्यूटी याद रखने की, कोई अलग अलग चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। I am very happy to see this new and improved avatar of yours in this suit. बाड़े के कपड़े। आपके कैरेक्टर का प्रोमो जरूर देख लेते हैं प्लीज। वकील सिंह का मैं ब्रीफली अगर कुछ बता सकूं ऑडियंस को, तो वो चेले चपाटे हैं मान सिंह के, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं मनोज वाजपेयी जी का चेला चपाटा हूं, और वो उनके कह लीजिए राइट हैंड मैन है गैंग में। और फिल्म में जो मेरे कैरेक्टर का आंख है, आप कह सकते हैं कि यही है कि वो राइट हैंड मैन है कि लेफ्ट हैंड मैन है, ये आप फिल्म देख के आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये पहली बार बड़े पर्दे पर आई थी, मैंने सोचा था वाह व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ परफॉर्मर। उसके बाद उनके अवतार बदलते चले गए फास्टर देन लोग ऑलवेज मुझे बोलते थे कि जो हीरो और हीरोइंस के अवतार होते ना बॉलीवुड में कोई चेंज नहीं करता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स इर्द गिर्द चेंज होते रहते हैं। बट आई एम सो प्राउड ऑफ द परफॉर्मर दैट भूमी इज, हर बार वो अपने आप को स्ट्रेचेस टू द लिमिट। तो सिर्फ इसी के लिए, द नो फियर दैट शी हैज, इसी के लिए मैं ह्यूज फैन ऑफ भूमी पेटनेकर, और उनके लिए तालियां हो जाइए स्टेज पर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा जब कहानी सुनी मुझे लगा कि यार ये फिल्म छोड़ नहीं सकते हैं। यू नो मुझे बहुत ही एक डीप सेंस ऑफ लॉस हो रहा था, सोच के भी कि यू नो इज देयर एन ऑप्शन, शुड आई नॉट डू इट। लेकिन जैसे ही कहानी ख़त्म हुई मैंने कहा कुछ हो जाए जो हो ये तो करनी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई लव द वे द फिल्म हैज टर्नड आउट। इट इज इट्स सो डिफरेंट, इट इज इट्स वेरी एनरिचिंग फॉर मी एज एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। As a viewer only, I'm getting so excited looking at that. But आपका वो वाला अवतार और ये वाला अवतार तो जमीन आसमान का फर्क है। So आपके लिए how is it? एक तो language इतनी मुश्किल, और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने कुछ एकाध शब्द एड़ा टेढ़ा बोल दिया तो अभिषेक सर ने तो शॉट रोक दिया होगा। तो लैंग्वेज यू नो, तो चंबल के बारे में हम सब ने सुना तो है लेकिन जानते बहुत कम इसके बारे में, तो इसके कैरेक्टर को जीने के लिए काफी मेहनत लगी। As a shoot, I mean, like, I've
was just outstanding. ये एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की वजह से ऑलवेज होता है और कास्ट एकदम परफेक्ट है. लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टर प्लीज. वी'd लव टू सी हर प्रोमो.